हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंकी क्लोज एंड इट्स द रिएक्शन टाइम। क्या हो गया हम लोग? भाई साहब पकड़ाई जाती है ये ख्याल में। कौन से ख्याल में आ गई? एक्चुअली सगर शर्मा का वीडियो है ये। मैं अपने क्रश के ख्यालों में खो गई थी। काश मेरा भी लॉकडाउन मेरे क्रश के साथ जाता। मैं सगर शर्मा का गया है भाई साहब। तो सगर शर्मा का फर्स्ट वीडियो देखने बस औका देखो नहीं है। चले होते रणवीर सिंह जी, ये रणबीर कपूर के साथ बस यही करना है। हाँ तो गाइज सब बुला दिया मेरे को। स्वागत शर्मा का फर्स्ट वीडियो है बिगनिंग लॉकडाउन विद माय क्रश सीजन 1 एपिसोड 1। तो ज्यादा देरी नहीं करते, वीडियो को शेयर करते हैं। स्वागत शर्मा के बारे में आपको पता है, ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चेक कर लेना। और रिएक्शन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। कभी किसी पे क्रश हुआ है? मुझे भी हुआ है। अब इंसान अपने क्रश को पाने के लिए लिमिट पुश करता ही है, करनी भी चाहिए। क्या दिया भाई? पर मैंने तो क्रॉस ही कर दी। कर दिया भाई, क्या कर दिया? कहानी सुना तुम। क्या मार दी? सुनिएगा। मत पूछ यार भैंचो, ये करोना ने बिना होए गांड मार रखी है। एक तरफ ये कंपनी वाले साले सैलरी देने का नाम नहीं ले रहे, दूसरी तरफ ये झांटू लैंडलॉर्ड हर दूसरे दिन आ जाता है रेंट के लिए सुनाने। ऊपर से तू, अबे ब्रेकअप हुआ है, मौत नहीं हुई है, आ क्यों नहीं रहा है घर से वापस? आता यहाँ 4-5 दिनों में। आप आओ आराम से 4-5 दिनों में। आपके जोसफ अंकल आ गए रेंट मांगने। अब इसकी बकचोदी सुनो। आ रहा हूँ अंकल। अरे एक मिनट यार। हाय। ओह वाओ, कौन आया भाई? ओह इंस्टाग्राम याद आ गया उसको तो। बहुत सुंदर है ना? पता है यार, तभी तो 3 साल से क्रश है। ओ हेलो, मैं कोई क्रेजी स्टॉकर नहीं हूँ, मतलब वो अलग बात है, कभी बोल नहीं पाया, पर हमारा रिश्ता बहुत करीबी है। मैं समझाता हूँ। बहुत करीबी, बहुत करीबी है। मेरा फ्लैटमेट चूतर धर्म, उसकी गर्लफ्रेंड रिया, मतलब अब तो ब्रेकअप हो गया तो एक्स गर्लफ्रेंड रिया, और उसकी रूममेट आकांक्षा सिंह। वाह, है ना करीबी रिश्ता। बहुत ही पास। हेलो, हाय हाय आकांक्षा, हाय, तुम यहाँ कैसे? प्लीज कम। तुम यहाँ कैसे? Is everything okay? Yeah. वो actually रिया के ना कुछ कपड़े और सामान यहाँ पड़े हुए थे and she was not comfortable visiting her ex's place. तो उसने मुझे बोल दिया लाने के लिए। सही है। हाँ? I mean, I totally understand. अभी ब्रेकअप के बाद she must be feeling very low, devastated perhaps, and a friend indeed is a friend indeed. okay. YouTube video. आजकल तुम्हें तो पता ही है यूट्यूबर्स कितनी गालियां देने लगे हैं अपने वीडियोस में। ये देख रहा था। Right. Closet कहाँ है? This way. Ad आ गया। Oh my. सही है। Thanks. कितना खुश हो रहा है? भाई क्रश है, घर पे आ गई है। ब्राउन वाली कबर्ड में, पर थोड़ा आराम से खोलना, उसमें सामान रखा है थोड़ा। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि धर्म फ्लैट पे नहीं है? नहीं, जब से ब्रेकअप हुआ है वो बाहर ही गया हुआ है, मतलब घर पे गया हुआ है। या भी I don't understand. दोनों अलग ही क्यों हुए जब इतने परेशान हैं तो? सही बात है. तो तुम अभी अकेले रह रहे हो पीजी में? अकेले? Don't even ask यार. ये कोरोना और वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में ना पूरा पीजी खाली हो रखा है। मैं भी ना कल की ट्रेन से वापस जा रही हूँ होम टाउन। देख लेना, गरीब रथ का ना कोई ऐसा खास लेट हो जाती है हमेशा। हाँ एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता कि मैं गरीब रथ से जा रही हूँ? वो तुमने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी ना कि कोई टिकट कंफर्म करा सके तो धर्म तुम्हें फॉलो करता है, उसने देख ली और उसने मुझे बताया। अच्छा उल्टा पहना हुआ था।
चारा दस रहे हैं कि इधर जा रही है उसको अक्षय कुमार से खड़ा हो गया चलो ओके आई लीव हां बाय शुभम गलत नाम बोलते हुए भी कितनी प्यारी लगती है काश लम्हा यही रुक जाए अबे कोई तो रोक दो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोरोना वायरस के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने 21 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस कर दिया शिट यार मैं जल्दी निकलती हूँ और आज की कोई ट्रेन देख लेती हूँ ऐसे में सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं निकलने का सख्त आदेश है शिट 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 आई थिंक अभी जाना सेफ नहीं होगा यार मेरा पूरा पीजी खाली हो रखा है अगर मैं 21 दिन यहाँ फंस गई तो क्या करूँगी और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप इस समय देश में जहाँ भी हैं वहीं रहिए वहीं रहे एक सेकेंड वो हमारे बैच की साक्षी उसका घर यहीं कहीं साकेत में है ना उसके यहाँ चली जाती हूँ अभी तो जाने ही देंगे फिर वहां से कुछ देख लूंगी एक सेकेंड रुको हाँ मैं देख के आता हूँ एक बार क्यों वो क्योंकि क्या बोल रहा करते पुलिस चौकी है वो हो सकता है पुलिस वाले बाहर हो प्रॉब्लम हो जाएगी कौन सी पुलिस चौकी मैं तो नीचे से आई मुझे कोई पुलिस चौकी नहीं दिखी है मुझे भी कई बार नहीं दिखी थी फिर मेरे चालान कटे दो तीन बार मुझे शुरू हो गई तुम रुको ना मैं 5 मिनट में देख के आता हूँ तुम यहीं पे रुकना कहीं मत जाना 5 मिनट में आता हूँ मैं 5 मिनट यहाँ से शुरू हुआ था एक्चुअली क्या हुआ हम लोगों ने एक एपिसोड पहले देख लिया मिड वाला तो हम वही कंफ्यूज थे कि कैसे हुआ ये सब कैसे हुआ था नाइस ओके कोई कुछ कह रहा है क्या आने जाने से मना कर रहा है क्या वो सब कल से है आज कोई कुछ नहीं बोल रहा है तुम जा सकते हो ओहो एक मौका मिला था थोड़ा और टाइम स्पेंड करने का अब इसको भी न्यूज से पता लग ही जाएगा कि कल से है सब कुछ किस्मत ही टट्टी है यार कुछ नहीं कर ईंट मार ले हम 100 रुपए ऊपर आ जाए फिर देखती हूँ निकलती हूँ यहाँ से यार कुछ तो करना पड़ेगा फिगर आउट बस एक सेकंड बाद बात करती हूँ ओह फक शिट नीचे पुलिस वाले खड़े हैं जो बाहर निकल रहा है उसे कुत्ता बना के मार रहे हैं यार लड़कियों को तो नहीं मारेगी ना तुम बैठे मैं देख के आती हूँ लड़कियों के लिए 4 फीमेल कांस्टेबल भी हैं लड़कियों को चोटी से पकड़ पकड़ के गाड़ी में डाल रही हैं मेरी फेवरेट टी शर्ट भी खराब कर दी शिट शिट यार शिट क्या करूंगी मैं कहां जाऊंगी तुम्हें ठीक लगे तो तुम यहां भी रह सकती तुम्हें दिमाग खराब है क्या ना मेरे पास कपड़े ना कुछ कैसे रहूंगी यहां रिया के कपड़े तो आ जाएंगे ना तुम्हें को मार लिया मार लिया अपने ऊपर कैसे कपड़े रखे हुए तूने यहाँ सुनो तुम कहाँ जा रहे हो वो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा गद्दा नहीं है ना तो तुम बेड पे सो जाओ आइसक्रीम बंदा खाओ नहीं नहीं यार मैं ऑलरेडी बहुत परेशान कर चुकी हूँ नहीं नहीं ऐसी कोई टेंशन नहीं है तुम सो जाओ पक्का पक्का इट्स ओके आर यू श्योर हाँ श्योर श्योर गुड नाइट ऐसे भी बैक पेन तो अब होता नहीं है सर्वाइकल का ऑपरेशन करा ही लिया था सुना भी नहीं उसने तो सेम है यार वरना तो बैंड बज जाती अच्छा कांक्षा कुछ चाहिए होगा ना
जस्ट लेट मी नो, व्हाट्सएप पे पिंग कर देना, यहीं पे हूँ, 9911235876. ओके ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स. अच्छा कांक्षा, सॉरी सॉरी, मैं बस ये बता रहा था कि ऐसा कोई टेंशन नहीं है, आराम से सो जाओ, ठीक है? अगर ऊपर से कुछ आवाज सुनाई दे तो इग्नोर कर देना, ठीक है? इग्नोर सो जाओ. वो हॉरर आवाज है. सुनो. हाँ, कैसी आवाज? ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, वो हमारे लैंडलॉर्ड है ना ऊपर, जोसेफ अंकल, उनकी वाइफ रेशमा ने शादी की पहली रात ही फांसी लगा के सुसाइड कर लिया था. उनको पता लग गया था ना अंकल है. पर ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत फ्रेंडली आंटी, कभी किसी को परेशान नहीं किया, ठीक है? तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, आराम से सो जाओ. हाँ, कुछ होगा तो बताना मेरे को, ओके? सुनो. Wait for the wind, wait for the night. नहीं, सपना नहीं है. Stand here a while. Take a little time. इसी क्या लग रही गाने की? कहाँ से कहाँ गए ना? हो सकती है. वाह. अबे मर्द का बच्चा बन और जाके I love you बोल दे. अच्छा ये पुराना पुराना पास चल रहा है अभी का. अबे बस कर. Yes. लगाई मुझे. इतनी नींद मारेगा, इतना से पीलेगा, इतनी देर तो गिरेगा ही. दुनिया के लिए होगा या लॉकडाउन? मेरे लिए तो लाला लैंड है. लाला लैंड. बार बार बस एक ही आवाज आ रही है. वाह मोदी जी वाह. नाम भी क्या लिख कर रखा इसने. इसका वो अच्छा लग रहा है. हाँ बहुत अच्छा उसका. वाह. सोते हुए तो और भी सुंदर लगती है यार, मतलब मन करता है बस देखते ही रहो. हाँ तो जिंदगी भर से देख ही तो रहे हो. मैं मराठ छोड़ना यार. सुन, अंदर से बहुत गिल्ट आ रहा है यार, बहुत बड़ा झूठ बोल दिया. सच बता दूं क्या? जूतिया हो क्या? ऐसा मौका दुनिया में किसको मिलता होगा बे? सुन, 21 दिन में कोई भी आदत लग सकती है और कोई भी आदत छूट सकती है. मौका है. ये था वो. ऐसी मॉर्निंग लगती थी उस टाइम पे. बढ़िया. ओ हाय, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तुम इतने रेडी होके कहीं जा रहे हो? एक सेकेंड, लॉकडाउन खुल गया क्या? नहीं, अभी है, लॉकडाउन है, खत्म नहीं हुआ है. मैं तो इसलिए रेडी हो गया क्योंकि मेरी आदत है ऐसे रोज सुबह मैं नहा धो के रेडी हो जाता हूँ. हाइजीन यूज. ओके, तो मतलब रोज नहाते हो, लाइक एवरी डे? मुझे लगा नहीं था कि पीजी और फ्लैट्स में रहने वाले लड़के इतने मैनर्ड और इतने हाइजीनिक होते होंगे.
आया हटा नहीं से हटा अरे नहीं थोड़ा सा छोटा सा बाइट ट्राई करो, मैंने खुद बनाया अपने हाथों से, चमक ठीक है। ये फर्स्ट टाइम कॉल आया ये तो मैं ही लेके आया। Actually I love animals, I love pets. Wow, me too. Coffee? हाँ मैं बना देता हूँ अभी। मैं बनाती हूँ क्या? क्या बात है crush की coffee. मोदी जी वाह. भक्त हो गया। ये तो पूरे दिन मोदी जी। भक्त हो गया भैया, भक्त हो गया। लैंडलॉर्ड यहाँ से रेशमा का किस्सा। गुड मॉर्निंग अंकल। सुबह तुम्हारा ये थोपड़ा देखना पड़ रहा है क्या? कुछ लगा इस मॉर्निंग में? अरे अंकल क्या विचार है तुम्हारा, 2 महीने हो गए रेंट दिए नहीं, कब्जा वब्जा करने की सोच रहे हो तो बता दो, हम भी डेली डेली आना बंद कर देंगे। लड़की टीवी चल रहा अंकल, उसकी आवाज आ रही है, क्या बात कर रहे हो? लड़की का सुन, कुआरा हूँ चूतिया नहीं हूँ, जिंदा लड़की खुशबू से पहचान लेता हूँ। है लड़की है। कौन है? बहन नीचे तो दोस्त बिना किराया दिए मेरे फ्लैट में लड़के लाने की हिम्मत कैसे भी तेरी? बाहर निकाली सभी कभी? नहीं निकाल सकता। क्यों? उसके साथ दिक्कत हो गई थी। कैसी दिक्कत? उसके घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई बिना शादी के। लड़की प्रेग्नेंट करती मेरे फ्लैट में, वो भी बिना किराया? नहीं की, मेरे रूममेट है धर्म गुप्ता, उसने की। और कहां है धर्म? अरे वो भाग गया। अच्छा धर्म भाग गया, लड़की प्रेग्नेंट करके भाग गया। और अंकल आपको पता है ये लड़की सुसाइड करने जा रही थी, घर वालों ने बाहर निकाल दिया, धर्म ने प्रेग्नेंट कर दिया और ये मरने जा रही थी। मैंने बचाया इसे इंसानियत के नाते, कुछ दिन यहाँ रखा, लॉकडाउन के बाद निकल जाएगी, पर नहीं, आपको सुननी नहीं है मेरी बात। कहाँ लड़की? कहाँ है? वो वॉशरूम गई है। अब आपको तो पता है एक लड़की को वॉशरूम में कितना टाइम लगता है, आप निकल जाओ। पैदा होती मेरी मां मर गई, शादी मेरी हुई नहीं। मुझे कैसे पता होगा? तो मुझे कैसे पता होगा कि लड़की को वॉशरूम में? अंडे जूस किराए देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है और नमा भी शौक देखो। अरे अंकल आप जाओ ना, मैं दे दूंगा रेंट आपको कल, क्यों रो रहे हो? किसने बनाया ये गोबर? अंकल प्लीज आप जाओ ना, मैं आपको दे दूंगा रेंट, प्लीज जाओ ना अंकल। मेरे घर में कौन है मैं ये पता करे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। टाइम बात करके अच्छा। ओ अंकल को यहाँ से बिजी रखना है। नहीं जाऊंगा मैं, कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए, धरती जान, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ठीक है बैठो करो इंतजार मरो। जो भी है जल्दी आओ बाहर, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। हेलो हेलो कौन? मैं रेशमा बोल रही हूँ। मैंने पहचाना नहीं, कौन रेशमा? वही रेशमा जिसके लिए आपने अभी भी जवानी पा की है। सुनो सीधी सीधी बात करो, क्या चाहिए? तुम्हारा दिल आगे बोलो। हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही। हेलो मैं बाहर जाके बात करता हूँ।
तुम फोन मत काटना, मैं बाहर जाके बात करता हूँ। वाह वाह, अब तुझे तो देख लूंगा मैं। हेलो हेलो रेशमा, आप आवाज आ रही है? हेलो हेलो रेशमा, आप आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। पार्ट टू पहले देख लिया था, थोड़ा सा कनेक्शन नहीं मिस किया। ऐसे कैसे हो गया? हमने कहा चलो पहले पार्ट 1 चेक करते हैं, पता चल जाएगा। तो पार्ट 1 ये देखा, बहुत सही यार, क्या थीम लेके आया यार। मतलब मेरे को एसआई से मतलब किसी के साथ हो गया हुआ मतलब इससे तो हुआ ऐसा, तभी से थीम माइंड में आई होगी। मेरे साथ तो वैसे बहुत बुरा हुआ। तेरे साथ क्या हुआ? कितना बुरा हुआ? तेरे ज्यादा कोई बुरा नहीं हुआ, तू मेरे साथ ही शादी के बाद मेरे साथ ही थी। यही तो बुरा हुआ, इसके साथ रहना पड़ा मुझे शादी के बाद। तो अभी तो मेरे साथ ही शादी के बाद और क्या कर लेगी? पर तब तो लॉकडाउन नहीं है। अब क्या, तो अब तो लॉकडाउन में नहीं है, तो भी अभी से मेरे साथ ही है ना, चली जा, भाग जाए यहां से। अरे मतलब भाई शादी होने के पहले यार लॉकडाउन लग जाता, इससे शादी नहीं होती। क्या पता मुझे भी कोई और मिल जाता। जो भी है भाई, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है और बुरे के साथ अच्छा ही होता है। तो गाइस बहुत ही सही, चलो बहुत सारा हो गया, अब वीडियो के बारे में बात कर लें। अरे इसी के लिए कह रही हूँ कि यार मेरा भी क्रश कोई श्रेयस शर्मा जैसा लड़का होता तो आज क्या बात होती, इसके साथ तो नहीं फंसा। और काफी अच्छी स्टोरी, स्टोरी काफी अच्छी थी, एक्टिंग लॉकडाउन को काफी अच्छे से एलिबोरेट किया, इंटरेस्टिंग बना दी। 21 दिन का लॉकडाउन जो पहले लगा था, 21 दिन में कुछ भी बदल सकता है, तो भैया बदल ही सकता है, जिंदगी बदल गई। बहुत इंटरटेनिंग था, मस्त एक्टिंग, मतलब क्लास एक्टिंग करके रखी थी। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लग रहा था कि ये एक्चुअली यूट्यूब का वो कुछ देख रहे हैं, है ना? ऐसा लग रहा था कि अच्छा रियल लाइफ, मतलब इमेजिन कर रहा हूं जब जेन्युइनली किसी लड़के के साथ, स्पेशली बैचलर लोग जब रहते थे, ओ गॉड पूछो मत, बहुत गंदे रहते बैचलर सच में, और स्पेशली लड़के तो इतने ज्यादा गंदे रहते हैं। उनके फ्लैट पे चले जाओ तुम, साफ कर लेते थे। वैसे मेरे लोग एग्री कर लेंगे क्योंकि जो बेस्टर्स होंगे वो जानते होंगे कि कैसे रहते हैं भाई, आप लोग कैसे रहते थे। तो हम लोग भी ऐसे रहते थे कि अलग तो कुछ है नहीं भाई, जाती तो वही है ना हमारी, आपकी इनकी जो इन्होंने बताया जो है, तो ये बहुत ही मतलब ऐसे है ना, ऐसे ह्यूमन टच खुद की स्टोरी, कनेक्टेड स्टोरी है, इसलिए बहुत ज्यादा पसंद भी है ये चीज, क्योंकि बहुत कनेक्टेड है, ऐसे ही होती तो पसंद आती है। तो गाइस इसके बारे में तो आप समझ ही गए, पार्ट 1 देख चुके हैं, पार्ट 2 देख चुके हैं, अब बस पार्ट 3 देख लेंगे। फिर आप फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भेजना यार, शेयर करोगे तभी तो ज्यादा लोग पता चलेगा कि हम लोग भी अच्छे से रिएक्शन देते हैं, आप लोग पसंद आते हैं शायद। अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज डू कमेंट अस, इसका कौन सा पार्ट आपको पसंद आया था कमेंट डाउन करके हमें फीडबैक दें, सीजन देखे या नहीं देखे वो भी कमेंट करके बता देना। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।